हेलो दोस्तों, अगर आप इच्छुक हैं आर्मी में जाने के, आर्मी भर्ती की आप तैयारियां कर रहे हैं और आर्मी में आपका पैशन है आर्मी में जाना, तो दोस्तों आपके लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, पिछले कई सालों से 150 वर्षों से लगभग जो है भर्ती प्रक्रिया में, आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दिए, या फिर दिखाई भी दिए तो बहुत ही कम मात्रा में या बहुत कम बदलाव दिखाई दिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2019 में आर्मी भर्ती के लिए कुछ न्यू अपडेट्स आई है उस पर बात करेंगे दोस्तों। तो मैं हूं प्रेम दोस्तों, डीपी में आपका मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन और विभिन्न प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए क्या है खास। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पहले से भर्ती में जब आर्मी की भर्ती होती थी उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें पहले फिजिकल टेस्ट होता था। आप रजिस्ट्रेशन करके या ओपन भर्ती में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, देन फिजिकल होता था, जो फिजिकल क्वालिफाई करते थे उन्हीं का जो है रिटन एग्जाम होता था, और उसके बाद जो है ऑल ओवर मेरिट बन के उसके बाद जो मेरिट में आए उनका ही सिलेक्शन होता था, वही भर्ती होते थे। दोस्तों इस बार देखिए, आप चेंज करने की बात की जा रही है। इसमें देखिए 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट आता है उसी के आधार पर जो है उसकी मेरिट बनेगी, उसमें जितने लोग जो है जिसकी जितनी वैकेंसी होती होगी उतनी उसकी कट ऑफ तैयार करके उतने लोगों को ही उस भर्ती में शामिल किया जाएगा, ये बात की जा रही है। देखते हैं जानते हैं दोस्तों पूरी न्यूज़ इस पर क्या है। दोस्तों 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के आधार पर ही सेना भर्ती की कट ऑफ तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। कट ऑफ आने के बाद ही पद के अनुसार भर्ती रैली में युवा शामिल हो सकेंगे। यह बात मेरठ पहुंचे सेना भर्ती उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अपर महानिदेशक मेजर जनरल सुभाष शरण ने कही। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है, जिससे सेना भर्ती रैली का खर्च कम किया जा सके। दोस्तों एक आवेदक पर जो है 30 से 40 हज़ार रुपये तक खर्च किया जाता है। पिछले 150 वर्षों से भर्ती प्रक्रिया में बहुत ही कम बदलाव किया गया है। उप महानिदेशक ने युवाओं को दलालों के चंगुल में न आने की बात करते हुए कहा कि सेना में कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, अगर आप मेहनत करोगे तो सेना में भर्ती होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए सिर्फ 2 ही बार प्रयास करना चाहिए। अब ये क्यों कहा इस पर हम बात करें, उन्होंने ये कहा कि अगर 2 बार में आप चयनित नहीं होते तो प्रयास बंद करके दूसरे क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए। तो आपकी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के आधार पर मेरिट बनेगी, उसके बाद आपके कट ऑफ में आने के बाद ही आपको भर्ती में शामिल किया जाएगा। तो ये इसमें जो नई प्रक्रिया जो चालू करने जा रहे हैं, तो ये आर्मी भर्ती में ये प्रक्रिया चालू की जा रही है। तो दोस्तों इसी में दूसरी न्यूज है, लखनऊ में पहली महिला भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार सेना में महिलाओं को शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला भर्ती रैली लखनऊ में सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित की जाएगी, जिसके बाद महिलाओं की पहली ट्रेनिंग जनवरी 2020 में बेंगलुरु में होगी। ये भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी अच्छी है, जिसमें महिलाएं जो है पार्टिसिपेट कर सकती है। पहली महिला भर्ती है तो इसमें जनवरी सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित ये भर्ती होगी और 2020 में तक जो है इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी, जो लोग उसमें सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद जो है दूसरी इसमें न्यूज है, वाराणसी में जुलाई से निःशुल्क प्रशिक्षण कैंप चालू हो रहे हैं। इसमें देखिए आप, युवाओं को सेना के बारे में जानकारी देने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कैंप का आयोजन वाराणसी में जुलाई से होने जा रहा है, और इस कैंप के जरिए युवक युवतियों को सेना भर्ती रैली के नियमों को जानने का अवसर मिलेगा। वहीं सेना में जाने के लिए कितना व्यायाम और कौन कौन से कागजात चाहिए, यह जानकारी भी दी जाएगी। अन्य भर्ती कार्यालयों में भी ऐसे ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक कुछ डिफरेंट चीज़ यहाँ पर हम देखने को मिलती है, जैसे सेना में श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर आए युवा, तो ये कहना है जो है मेजर जनरल सुभाष शरण जी का, उनका कहना है कि जो है सेना में श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर आपको आना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेजर जनरल सुभाष शरण ने ये कहा कि सेना में श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर आने से नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को मिलिट्री मैनुअल बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि 30 साल पहले अमेरिकी सेना ने जब इराक पर हमला किया था तो 40,000 श्रीमद् भगवद गीता का ऑर्डर इन्होंने इस्कान मुंबई को दिया था। उन्होंने कहा कि यह धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की धरोहर है, जिसमें व्यक्ति को अपने कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। तो देखिए दोस्तों, इतनी सारी न्यूज़, इतनी चीज़ें यहाँ पर देखिए, हमने पहले बात की क्या इस बार क्या प्रक्रिया रहने वाली है भर्ती की, उसके बाद लखनऊ में जो है महिलाओं की पहली भर्ती आई है इस पर, तो इसके लिए आप तैयार रहें सितंबर अक्टूबर में, और उसके बाद वाराणसी में निःशुल्क प्रशिक्षण कैंप चलाए जाएंगे आर्मी के लिए ये, और तीसरी बात जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात थी, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर आने को बोला उन्होंने,
तो ये भी एक फैक्ट था जो अमेरिका ने जो है इराक पर हमला करते समय 40,000 भगवद गीता का वो दिया था। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।